यानी कि मंगलवार की सुबह सुबह ईडी की टीम ने झारखंड के रांची में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। ईडी के हरेड 9 लोगों के खिलाफ की जा रही है। बता दें, जमीन घोटाला मामले को लेकर सुबह लगभग 6 बजे से कार्रवाई चल रही है। अब तक रांची समेत 9 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। बताया जा रहा है कि इसमें से एक ठिकाना झामुमो नेता का भी है। ठिकाना झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता अंतु तिर्की का बताया जा रहा है। हालांकि फिलहाल इससे अधिक जानकारी नहीं मिल पाई है। जिस सद्दाम को ईडी ने रांची जमीन घोटाला मामले में पिछले मंगलवार को अरेस्ट किया था, उसी के इनपुट के आधार पर यह छापेमारी हो रही है। सद्दाम जेल में बंद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन का कथित सहयोगी है। वह दस्तावेजों में जालसाजी करने और सेना की जमीन और अन्य जमीनों की खरीद बिक्री में कथित संलिप्तता के आरोप में पहले से ही न्यायिक हिरासत में है। ईडी ने उन्हें सौदा भूमि घोटाले मामले में फिर से गिरफ्तार किया था और 4 दिनों की रिमांड पर लिया था। वही जानकारी के अनुसार ईडी के अधिकारी जब सुबह अंतु तिर्की के बरियातु स्थित आवास पर गए तो उस वक्त वे मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, जिसके बाद ईडी के अधिकारी मोराबादी मैदान गए, उन्हें अपनी इनोवा कार में बैठा कर ले आए, जिसके बाद उनसे पूछताछ कर उनके घर की तलाशी ली, जो अभी तक जारी है। बता दें कि इस मामले में ईडी के अधिकारी ने बीते दिनों मोहम्मद सद्दाम से पूछताछ की थी।